आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े के आटे के मफिन्स। तो आपने नॉर्मल गेहूं के आटे का या फिर मैदे के आटे का मफिन्स बनाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे के मफिन्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी इसका जो टेस्ट है अलग नहीं लगता बाकी मफिन से। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स और अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। मफिन्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। फिर हम डालेंगे इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी और इन दोनों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप विस्कर के हेल्प से इसको मिक्स करें और हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये वाइटिश कलर में ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप सिंघाड़े का आटा। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। फिर हम यूज़ करेंगे इसमें दूध 1/2 कप। तो एक साथ सारा ना डालें, पहले मैं 1/2 डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद हम जो बचा हुआ दूध था वो भी ऐड कर देंगे इसमें और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस बात का ध्यान दें बैटर को बहुत ही ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं जो बैटर है वो हो गया है। तो मैं कट एंड फुल मेथड का यूज़ करके इसको वापस से एक बार मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी है। तो अब हम चलते हैं मोल्ड्स को ग्रीस करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारे मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप बैटर डालें किसी भी मोल्ड में तो 3/4 पार्ट ही इसका फिल करें, एक्सेस फिल ना करें। तो मैं सारे मोल्ड में बैटर डाल देती हूँ। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके सारे मोल्ड में हम बैटर डाल देंगे और सारे जो मोल्ड हैं वो फिल हो गए हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं और अब हम चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। मफिन्स को बेक करने के लिए सबसे पहले OTG को मैं प्रीहीट कर रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए। तो हमारा जो OTG है वो प्रीहीट हो गया है। तो मैं अब ट्रे को अंदर डाल देती हूँ और उसके बाद हम 20 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मफिन्स हमारे अच्छे से बेक हो गए हैं। तो आप स्विच ऑफ कर दें और बड़ी सावधानी से ट्रे को बाहर निकाल लें। तो हमारे जो मफिन्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बेक हो गए हैं। तो इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको अनमोल्ड करेंगे। तो अब हम चलते हैं मफिन्स को अनमोल्ड करने के लिए। तो जो ये सिलिकन मोल्ड मैंने यूज़ किया है ये बड़ी आसानी से इसके अंदर से मफिन्स निकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो सिंघाड़े का आटे का मफिन्स है वो काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। तो आप इसी तरीके से सभी को अनमोल्ड कर लें। तो अब हम चलते हैं सर्व करने के लिए। तो ये रहा सिंघाड़े के आटे के मफिन्स, जिसे आप ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आई होप आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल हैप्पी कुकिंग।